अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर कटनी से, जहां राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शहडोल जा रही बस पलटी, दो दर्जन लोग घायल, एक की मौत। सुबह लगभग 8 बजे पलटी बस। बता दें, उमरिया पाना थाना क्षेत्र के पास की यह घटना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का उपचार जारी, पुलिस सहित लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कलेक्टर, एसपी, एसडीओपी घटनास्थल के साथ ही पहुंचे, घटना होने के बाद ही घटनास्थल पर पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता दें, कटनी से जहां राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शहडोल जा रही बस पलट गई है, दो दर्जन लोग घायल, एक की मौत। बता दें कि उमरिया पाना थाना क्षेत्र के पास की ये जो घटना है, और सुबह लगभग 8 बजे बस पलटी है, जिसमें दो दर्जन लोग घायल हैं और एक की मौत हो गई है, ऐसी खबरें आ रही है। बता दें कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शहडोल जा रही थी बस, कटनी से शहडोल की ओर जा रही बस उमरिया पाना थाना क्षेत्र के पास जो है घटना हो गई, बस पलट गई, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और लगातार जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया, और कलेक्टर, एसपी, एसजीओपी घटनास्थल के साथ ही, घटना होते ही घटनास्थल पर पहुंचे, और लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कटनी से हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिद, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शहडोल ये बस जा रही थी और रास्ते में ही ये पलट गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, ये बताना चाहेंगे अश्विता जी आपको कि ये सुबह 8 बजे घटना है, जो जौलपुर बड़ागर से चलकर शहडोल महामहिम के कार्यक्रम में शामिल होने ये लोग जा रहे थे, जो कि ये बस से, बस का जो क्रमांक था 20MP P82177 के क्रमांक बस थी जो जा रही थी, क्योंकि ये बस अनियंत्रित होकर पान उमरिया के पास ये पलट गई। तब बस चूंकि सुबह का वह वक्त था, बस पलटने के साथ उसमें सवार लोग जितने भी थे कार्यक्रम में शामिल होने वाले, महिलाएं भी थे, बच्चे भी, युवा भी थे, करीब 20-22 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें गंभीर अवस्था में 4 से 6 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि इस घटना की चूंकि महामहिम का कार्यक्रम था, जिस खबर को जैसे मिली वैसे जिला प्रशासनिक अधिकारी तमाम घटनास्थल की ओर रवाना हुए। वहाँ पे पान उमरिया का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सबको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज कराया जा रहा है, और जो गंभीर है उनकी देखरेख डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। अब प्रशासन पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए है, और बाकी जो लोग सकुशल स्वस्थ थे उनको आगे की ओर रवाना किया गया है, क्योंकि सारे लोग बुढ़ागर जौलपुर की तरफ से निकल के शहडोल पान उमरिया होते हुए शहडोल जा रहे थे, क्योंकि ये बीच का रास्ता है, तो रास्ते में बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। उसके बाद ही घटना के बाद वहाँ पे बड़ा हाहाकार मच गया। सुबह सुबह का वक्त था, लोगों भीड़ लग गई, आसपास देखने वाले लोग वहाँ पहुंचे और लोगों को बचाने में जुट गए। अब यहाँ के थाना प्रभारी जो थे वो, उनका पुलिस दल बल सारे लोग पहुंच गए, और सारे लोगों ने बचाव कार्य में अपनी हिस्सेदारी निभाई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, तमाम अधिकारी वहाँ पहुंच गए और तमाम घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, हम भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा था और मौके पर कितने सारे लोग मौजूद थे। तो ये बस पलटी है, तो इसमें क्या ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये पलटी है या और कोई वजह है? अब ये बस अनियंत्रित होकर पलटना, मतलब कह सकते हैं कहीं तेज रफ्तार भी हो सकती है, और बस पलटने के अब ऐसी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आ पा रही है ना जी। चलिए, तो उसके बाद अभी कह सकते हैं कि फिलहाल एक्सीडेंट के बाद दूसरी बसेस उनको रवाना किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कटनी से हमने आपको खबर बताई, जहां राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शहडोल जा रही बस रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, तो वहीं एक की मौत हो गई।